I was just going through the social media और मैंने कुछ लोगों को देखा वो बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मिसाल दे रहे थे कि तोशाखाना जितने भी गिफ्ट्स रिसीव होते हैं वो मैं तोशाखाना में जमा कराता हूँ, किसी को लेने नहीं देता और उससे 100 करोड़ की चैरिटी जो है हमने की और बच्चों की तालीम पे लगाई है। तो देखो मोदी कर रहे हैं और इमरान खान नहीं कर रहा। पाकिस्तान के रिनाउंड जर्नलिस्ट हामिद मीर ने एक ट्वीट किया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑक्शन मोर देन 6,000 गिफ्ट्स since 2019 and donated the money to different humanitarian causes. ग्लोबल लीडर के तौर पे लोग सर ले रहे, बड़ी रिस्पेक्ट उन्होंने पाई है, नरेंद्र मोदी जी हो, जयशंकर साहब हो या कोई और। उसके मुकाबले में सर हमने जो मुकाम था भी उसको भी खो दिया। और हामिद मीर ने ये भी कहा है कि जो तोहफे ताइफ मोदी जी को मिलते हैं वो उल्टा इंडिया की आवाम पर ही लगते हैं। फौजारी केस के हवाले से कल के लिए नोटिस जारी हुआ है। तोशाखाना घड़ी की जो बात है, He never purchased any gift on price and never sold the gift in the open market. अपने मुल्क को वो अगले लेवल पर लेके जा चुके हैं। नेशनलिस्ट मूवमेंट है। मैं पूछना चाहूंगा मोदी साहब कौन है? हिंदू है। मेजॉरिटी भारत में कौन है? वो हिंदू है। उन्होंने वो अपनी कौम के लिए वो अच्छे हैं। आपको उससे कुछ सीखना चाहिए। तो उसके पास 600 बिलियन रिजर्व, 600 बिलियन वो तो अपने पाँव पे खड़े हैं। वो तो नेपाल जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, उनको एड देकर आते हैं, कर्जे जारी हुआ है। तोशाखाना घड़ी की जो बात है और मैं ये देख रहा था, आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द सोशल मीडिया और मैंने कुछ लोगों को देखा वो बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मिसाल दे रहे थे इमरान खान के मुकाबले में। और वो कह रहे थे कि देखें ये मोदी का शॉट है जिसमें वो कह रहा है कि तोशाखाना जितने भी गिफ्ट्स रिसीव होते हैं वो मैं तोशाखाना में जमा कराता हूँ, किसी को लेने नहीं देता और उससे 100 करोड़ की चैरिटी जो है हमने की और बच्चों की तालीम पे लगाई है। तो देखो मोदी कर रहा है और इमरान खान नहीं कर रहा। सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब के ट्वीट पर पाकिस्तान के रेनाउंड जर्नलिस्ट हामिद मीर ने एक ट्वीट किया है और ये जिस टॉपिक पर ट्वीट है इससे पहले भी इस पर बात होती रही है और खास तौर पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस पर कई मरतबा बात करते रहे अपनी तकरीरों में। और वो क्या टॉपिक है? वो है कि हमने देखा कि इमरान खान ने कई मरतबा बात की कि हमारे हमसाया मुल्क भारत के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत कमाल की है और देखिए कि वो किस तरीके से पूरी दुनिया से अपने ताल्लुकात रखते हैं और कैसे वो दुश्मनों और दोस्तों को साथ लेकर चलते हैं और उनको कोई नहीं पूछता। अच्छा, वो अपनी तकरीरों में अक्सर इसकी, बल्कि अभी कुछ 2-4 रोज पहले भी उन्होंने जो बातें की उसके अंदर भी उन्होंने इस तरह की बात की जिसमें वो भारत के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते हुए सुनाई दी और दिखाई दी। लेकिन बात अब इससे आगे निकल गई है, बात बढ़ गई है और बात यहाँ तक बढ़ चुकी है कि मैं देख रही थी कि पाकिस्तान के रिनाउंड जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट भी उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टैग करके किया और ट्वीट क्या मैं आपके सामने रखे देती हूँ। अच्छा, ये जो बात हम कर रहे हैं इस वक्त जो टाइमिंग है और खासतौर पर पाकिस्तान की जो एक खास सिचुएशन चल रही है उससे बड़ी मुताबिकत रखती है। मैं आपको बताऊंगी कि ये ट्वीट किस तरीके से बड़ी अहमियत की है। देखिए वो ये लिखते हैं हामिद मीर साहब, उन्होंने लिखा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑक्शन्ड मोर देन 6,000 गिफ्ट्स सिंस 2019 एंड डोनेटेड द मनी टू डिफरेंट ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस। ही नेवर परचेज्ड एनी गिफ्ट on price and never sold the gift in the open market. इस पे उन्होंने वो एक खबर को भी साथ में टैग किया जिसमें ये बताया गया था कि ई ऑक्शन ऑफ 1,200 गिफ्ट्स गिवन टू पीएम मोदी फ्रॉम टुडे और इसमें बताया गया था कि खासतौर पर उनको जो एक अवार्ड मिला है साउथ कोरिया